पर अब सवाल उठता है कि लोगों के धार्मिक विचार क्यों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, कई धर्म सिखाते हैं कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है और मरने के बाद स्वर्ग चली जाती है, जबकि कुछ कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है, वो भी अलग अलग योनियों में। यह सिर्फ एक उदाहरण था। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में हर धर्म अलग अलग बातें ही सिखाता है, तो क्या हर धर्म सही सिखा रहा है? नक्शे के मुताबिक, यानी बाइबल के मुताबिक, जो लोग मर गए हैं वो कुछ भी नहीं जानते, मगर आने वाले वक्त में परमेश्वर उन्हें फिर से जिंदा कर देगा और नेक लोग इस धरती पर हमेशा की जिंदगी जिएंगे। क्या बाइबल दूसरी बातों के बारे में भी इतना साफ साफ बताती है, जैसे हमारे चाल चलन के बारे में? शायद हमारा अपना धर्म हो, लेकिन अगर हमारा चाल चलन बुरा है तो ईश्वर हमारी उपासना स्वीकार नहीं करेगा।